गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों अगर आप भी हिमाचल की हसीन वादियों के बीच की छुट्टियां बिताने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको कसौली जरूर जाना चाहिए, क्योंकि कसौली की खूबसूरती इस कदर फेमस है कि यहां हर महीने हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। क्योंकि कसौली में आपको हर तरह के ट्रैवलर के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं तो ट्रैकिंग कर सकते हैं, अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो नेचर वॉक के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ख़रीदारी का शौक रखते हैं तो शॉपिंग कर सकते हैं, और अगर आप फूडी हैं तो आपको खाने के भी ढेरों ऑप्शंस मिल जाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपने पार्टनर के साथ कुछ रोमांटिक टाइम बिताना चाहते हैं तो भी कसौली आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है, क्योंकि इस खूबसूरत हिल स्टेशन पे पहुंच के आपका माइंड बॉडी और सोल तीनों ही एकदम रिफ्रेश फील करेंगे। तो चलिए जल्दी से आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से कसौली लिए चलती हूँ और आपको बताती हूँ कि आपको कसौली पहुँचना कैसे है, वहाँ होटल कहाँ लेना है, खाने पीने की आपको वहाँ क्या सुविधा मिलने वाली है, कहाँ कहाँ घूमना है, शॉपिंग कहाँ कर सकते हैं आप, कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए, कौन सा सबसे अच्छा समय रहेगा वहाँ विजिट करने के लिए। और इस सब के साथ वीडियो के एंड में आपको ये भी बताऊंगी कि इस विजिट में आपका कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हुए सबसे पहले आपको बताती हूँ कि आपको कसौली पहुँचना कैसे है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइस कसौली पहुँचने के लिए अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो चंडीगढ़ यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट है, तो आपको अपने शहर से चंडीगढ़ एयरपोर्ट तक के लिए फ़्लाइट लेनी होगी। और यहाँ से कसौली तक की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है, जिसे आप बाय रोड पूरा कर सकते हैं टैक्सी या बस के माध्यम से। और अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कालका रेलवे स्टेशन है, और कालका रेलवे स्टेशन से कसौली तक की जो दूरी है वो लगभग 40 किलोमीटर की है, जिसे कवर करने के लिए अगेन आपको बाय रोड जाना होगा, जिसके लिए आपको टैक्सी या बसेस यहाँ इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला या अम्बाला जैसे आसपास के शहरों से आ रहे हैं तो आप सड़क मार्ग के जरिए गाड़ी या बस से सीधे कसौली पहुँच सकते हैं। चलिए दोस्तों अब कसौली पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको अपने रहने के लिए एक होटल देखना है। तो एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने की वजह से कसौली में आपको लो बजट होटल्स से लेकर के अच्छे प्रीमियम रिसॉर्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे। और बात करें अगर हम इनके कॉस्ट की, तो अगर आप पीक टूरिस्ट सीजन के टाइम पे आते हैं तो उस समय आपको बजट होटल्स 1500 से लेकर 3000 तक के बीच पड़ जाएंगे। वहीं अगर आप प्रीमियम रिसॉर्ट्स लेना प्रेफर करते हैं तो उनकी कॉस्ट आपको 4000 से स्टार्टिंग करके 15000 तक के बीच पड़ जाएगी। और आपको अपना होटल मॉल रोड के आसपास लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको होटल्स के काफ़ी सारे ऑप्शंस तो मिल ही जाएंगे, साथ ही साथ खाने पीने के रेस्टोरेंट, शॉपिंग की प्लेसेस और घूमने फिरने की प्लेसेस भी यहाँ से आपको पास पड़ेंगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियरली आपको बता दूँ कि मॉल रोड के आसपास आपको होटल्स थोड़े कॉस्टली मिलेंगे, वहीं अगर आप मॉल रोड से थोड़ा डिस्टेंस पर जाके होटल लेते हैं तो वहाँ पर आपको होटल्स के कॉस्ट थोड़े कम मिलेंगे। और बात करें अगर हम यहाँ खाने की, तो कसौली में आपको किसी भी तरह की खाने पीने की दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपको नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल हर तरह की डिशेस अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि अगर आप कसौली जा रहे हैं तो आपको वहाँ की लोकल कुजींस ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, जिसमें स्पेशली आपको यहाँ का खसखस का हलवा और यहाँ की लोकल ब्रेड सिद्धू ज़रूर ट्राई करने चाहिए। इसके अलावा अगर आप ग्रीन टी के शौकीन हैं तो आपको यहाँ की जिंजर ग्रीन टी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। एंड गाइस अब आपको जल्दी से लिए चलती हूँ देवदार के सुंदर जंगलों के बीच बसे कसौली की खूबसूरत वादियों के बीच, और आपको बताती हूँ कि आपको यहाँ घूमना कहाँ कहाँ है। तो दोस्तों अगर आप अब तक किसी शांत और पीसफुल जगह की तलाश में थे तो आपकी ये तलाश कसौली में आकर ख़त्म होने वाली है, क्योंकि भीड़ भाड़ भरी दुनिया से दूर कसौली की प्राकृतिक सुंदरता डेफिनेटली आपके मन को शांति और सुकून प्रदान करेगी। और यहाँ घूमने के लिए सबसे पहले आप जा सकते हैं क्राइस्ट चर्च, जो कि शहर के केंद्र में मॉल रोड पर बना एक बहुत ही खूबसूरत चर्च है। इस चर्च का निर्माण 1853 में अंग्रेज़ों द्वारा किया गया था, और इसे बहुत ही अद्भुत न्यू गॉथिक आर्किटेक्चर की भव्यता के साथ बनाया गया था। ये चर्च आज भी अपनी ग्लास विंडोज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा जब पर्यटक इस चर्च में जाते हैं तो वो एक अलग ही शांति का अनुभव करते हैं, तो आपको इस प्लेस को डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए।
और इसके बाद दोस्तों आप यहां से लगभग 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे विजिट कर सकते हैं मंकी पॉइंट, जो कि कसौली का सबसे ऊंचा स्थान है। तो अगर आपको पूरे कसौली का एक बर्ड आई व्यू लेना है तो आपको मंकी पॉइंट ज़रूर जाना चाहिए। और इस जगह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी की खोज करने निकले थे तो उन्होंने अपना एक पैर यहाँ पर रखा था। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि मंकी पॉइंट पूरी घाटी का सबसे आकर्षक दृश्य तो प्रस्तुत करता ही है, इसके अलावा आपको यहाँ से हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटियों का भी एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखने को मिलेगा। और इस जगह की सबसे खास बात यह है कि ये पहाड़ी की चोटी एक पैर के आकार की है। और यहाँ पे आपको बता दूँ कि इस जगह पर प्रबंधन और संचालन का काम भारतीय वायुसेना द्वारा किया जाता है। और यहाँ जाने के लिए आपको एक विशेष परमिट की ज़रूरत होगी, जो कि आपको यहीं पर बनवाना होगा। और यहाँ पहाड़ी के ऊपर आपको हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर देखने को मिल जाएगा, जिसके आसपास आपको बहुत सारे बंदर देखने को मिलेंगे। तो आपको इन बंदरों से थोड़ा सा सावधान रहना है और आप यहाँ जाकर हनुमान जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप यहां से लगभग 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे विजिट कर सकते हैं सनसेट पॉइंट, जो कि कसौली का एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, जो कि सूर्यास्त के समय देवदार के घने जंगलों और कसौली की खूबसूरत घाटियों का एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य प्रस्तुत करता है। और इस जगह पर हर दिन भारी संख्या में पर्यटक इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए आते हैं। तो आपको भी डेफिनेटली इस पॉइंट को मिस नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो भी आपको यहाँ ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि सनसेट के टाइम पे आपको यहाँ पे अपने पूरे जर्नी के कुछ बेहतरीन क्लिक्स मिल सकते हैं। और यहाँ तक पहुँचने के लिए एक पैदल रास्ता बना हुआ है, जिसे गिल्बर्ट ट्रेल के रूप में जाना जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियरली बता दूँ आपको कि यहाँ अंधेरा होने से पहले पहले आपको इस जगह को छोड़ देना है, क्योंकि अंधेरा होने के बाद यहाँ काफ़ी सन्नाटा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ दूर दूर तक कोई भी सुविधा या किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिल सकती है। तो आपको यहाँ सनसेट होने के बाद ज़्यादा देर ना रुकते हुए जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल लेना है। और इसके बाद आपको जाना है मॉल रोड। जी हाँ दोस्तों, मॉल रोड यहाँ की सबसे खास जगहों में से एक है। और अगर आप कसौली की चहल पहल और रंगों से भरी बाजार को देखना चाहते हैं तो मॉल रोड बिल्कुल परफेक्ट प्लेस है। दोस्तों ये यहाँ का मेन शॉपिंग सेंटर है, इसलिए आपको यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें, रेस्टोरेंट्स और यहाँ का फेमस कसौली क्लब देखने को मिल जाएगा, जो इसे शॉपिंग करने और खाने पीने के लिए एक आइडियल प्लेस बनाते हैं। और जैसे जैसे शाम ढलती है वैसे वैसे ये बाज़ार अपने जीवंत सर्वश्रेष्ठ स्तर पर होता है, तो आपको यहाँ शॉपिंग करना बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। और आप यहाँ से अपने लिए रीजनल हैंडीक्राफ्ट आइटम, ज्वेलरी, लकड़ी और मेटल के बने सामान, शॉल, वुलन कैप, तिब्बतियन कारपेट और खाने पीने की चीज़ें खरीद सकते हैं। एंड गाइज, इसके बाद डे टू पे सबसे पहले आपको विजिट करना है कृष्ण भवन मंदिर, जो कि मॉल रोड से लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। इस मंदिर का निर्माण 1926 में किया गया था, जो कि एक बहुत ही अद्भुत वास्तुकला को दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, ये मंदिर यूरोपीय और भारतीय शैली की वास्तुकला का मेल है। और यही इस मंदिर की सबसे खास बात है कि ये मंदिर एक चर्च की तरह निर्मित है और कसौली के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। और हर साल पर्यटकों की भारी संख्या इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए आती है। इसके बाद दोस्तों इस मंदिर के पास ही आप लगभग 150 मीटर के डिस्टेंस पे ही विजिट कर सकते हैं श्री गुरु सिंह साहिब गुरुद्वारा, जो कि कसौली के महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्रों में से एक माना जाता है। और यही कारण है कि जो भी पर्यटक कसौली घूमने के लिए आते हैं वो यहाँ एक बार जाकर मत्थे ज़रूर टेकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ हर रविवार को एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, तो अगर आप चाहें तो उसे भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस गुरुद्वारे में आवास की सुविधा भी उपलब्ध है, तो अगर आप चाहें तो अपनी इस ट्रिप में इस गुरुद्वारे में भी रूम लेकर स्टे कर सकते हैं। एंड गाइस, इसके बाद अगर आप वाइन के शौकीन हैं तो यहाँ से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप विजिट कर सकते हैं कसौली ब्रूअरी, जो कि इंडियन मेड फॉरेन वाइन और ड्रिंक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि इस ब्रूअरी को 1820 के दशक में एडवर्ड डायर द्वारा स्थापित किया गया था, जब इस क्षेत्र पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा था, तब उन्होंने ब्रिटेन से उपकरण लाए थे और यहाँ पे इस ब्रूअरी को एस्टैब्लिश किया था। एंड यहाँ पे इस ब्रूअरी को एस्टैब्लिश करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि इस जगह की जलवायु स्कॉटलैंड से काफ़ी मिलती जुलती है, जो इसे बेहद खास बनाती है। तो आप यहाँ पे वाइन एंड विस्कीज़ को बनते हुए तो देख ही सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ से ख़रीद भी सकते हैं।
और दोस्तों यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप विजिट कर सकते हैं बाबा बालकनाथ मंदिर, जो कि कसौली के प्रमुख मंदिरों में से एक है। और ये मंदिर भगवान शिव के प्रबल अनुयायी बाबा बालकनाथ को समर्पित है। और अगर हम कसौली के मॉल रोड से इस मंदिर की दूरी की बात करें तो वो लगभग 3.5 किलोमीटर है, जिसे कवर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको बस या टैक्सी आराम से मिल जाएंगे। और दोस्तों बात करें अगर हम इस मंदिर की विशेषता की, तो यहाँ ऐसी मान्यता है कि अगर निसंतान दंपति इस मंदिर में आकर प्रार्थना करते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों ये तो थी आपकी डे 2 की आइटनरी, और इसके बाद डे 3 पे आपको विजिट करना है टिम्बर ट्रायल। जी हाँ दोस्तों, कसौली में टिम्बर ट्रायल कसौली आने वाले पर्यटकों के बीच सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से एक है। ये जगह बहुत ही शांत और सुंदर है। जी हाँ दोस्तों, मुख्य शहर के हलचल से दूर रहने के लिए एक बहुत ही आइडियल प्लेस है ये। ये जगह अपनी गहरी घाटियों और विशाल चट्टानों के लिए बहुत ही फेमस है। और अगर आप इस खूबसूरत सी जगह पर स्टे करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स और रिसॉर्ट्स के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। और इसके अलावा टिम्बर ट्रायल जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है वो है केबल कार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ की केबल कार की सवारी लगभग 10 मिनट लंबी है, और ये पर्यटकों को आसपास की पहाड़ियों के मनमोहक दृश्य दिखाती है। और आप इस केबल कार से घाटी के एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं। ये रोप वे लगभग 1.8 किलोमीटर की दूरी तय करता है और आपको दूसरी तरफ के रास्ते के कुछ खूबसूरत घाटियों और पहाड़ियों के दृश्य दिखाता है। यहाँ से आपको बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ छूने के लिए काफ़ी करीब लगते हैं, और देवदार के पेड़ लगभग आपकी केबल कार के किनारों को छूते हैं, जिससे ये कसौली में करने लायक सबसे ज़रूरी एक्टिविटीज़ में से एक बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको इसको अपनी लिस्ट में ज़रूर इंक्लूड करना है, इसे मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। इस केबल कार में ट्रेवल करते टाइम आप कसौली के पूरे शहर को अपने पैरों के नीचे फैला हुआ देख सकते हैं। और बात करें अगर हम इसके टाइमिंग की, तो सप्ताह में 7 दिन सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक ये केबल कार रन करती है। एंड गाइस, अब आ जाता है सबसे बड़ा सवाल कि आपको कसौली के लिए कितने दिन की ट्रिप प्लान करनी चाहिए और कौन सा सबसे अच्छा समय रहेगा यहाँ विज़िट करने के लिए। तो कम से कम 3 दिन की ट्रिप सफिशिएंट है आपके कसौली की विज़िट के लिए, और यहाँ विज़िट करने के लिए आप किसी भी समय आ सकते हैं। अगर आप गर्मियों में आ रहे हैं तो उस टाइम पे भी यहाँ का मौसम ठंडा रहता है, तो आप यहाँ पे अपनी ट्रिप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। वहीं अगर आप मॉनसून के टाइम पे आ रहे हैं तो एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। उस टाइम यहाँ पहाड़ों पे धुंध छाई रहती है, जो कि आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देगी। वहीं अगर आप सर्दियों के टाइम पे यहाँ आना चाहते हैं तो दिसंबर से जनवरी के बीच सर्दियाँ यहाँ पीक पर होती हैं, तो आप उस टाइम भी यहाँ आ सकते हैं। तो आप चाहे किसी भी मौसम में कसौली की यात्रा करें, यहाँ की सुंदरता और आकर्षण से निश्चित रूप से आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। और बात करें अगर हम बजट की, तो कसौली की इस यात्रा में आपको ऑन एन एवरेज 3,000 रुपये प्रति व्यक्ति तक का एक दिन का खर्चा आ जाएगा। और इस बजट में मैंने आपकी फ़्लाइट, ट्रेन या बस के टिकट का किराया इंक्लूड नहीं किया है, वो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। इस बजट में मैंने सिर्फ आपके होटल, खाने पीने और लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्चा इंक्लूड किया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कसौली किसके साथ जाना चाहते हैं। और अगर आपके मन में किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके वहाँ पे अपनी क्वेरीज डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपको। और मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। मैं मिलूँगी जल्दी आप सबसे अगली वीडियो में एक और नई डेस्टिनेशन के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, stay fit and keep traveling.